ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इज नॉट ई वाइफ एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर वन टू टेन एंड गाइज डोंट फर्गेट टू शेयर योर रिव्यूज एंड पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस तो चलिए शुरू करते हैं राधे राधे देवी जी और भाई लोगों क्या हो अपने एरोगेंट हार्टलेश रूथलेश गुस्सेल और इकडू नामों से जाना जाने वाला आहार्य सिंह राठौड किसी को अपने दीवानेपन और पागलपन के हद तक चाहने लगे वही दूसरी तरफ है आही मल्होत्रा जो बेहद मासूम चुलबुली नटखट और क्यूट है सिर्फ अपने घरवालों के सामने क्या होगा जब आही को पता चलेगा कोई उसे दीवानों की हद तक चाहता है क्या हो जब आहार्य को पता चले जिसे वो मासूम समझता है वो लिटिल डेविल निकले मुंबई एक आलीशान विला जहां आना हर किसी का सपना है उसे देखते ही पता चलता है कि वहां रहने वाले कितने अमीर होंगे विला के बैकसाइड एक जेट आके लैंड होता है उसमें से फोर बॉडीगार्ड निकलते हैं उनको देख के लगता है जैसे कोई रोबोट हो इमोशनलेस तभी वह अचानक उन्हें ठंड महसूस होने लगता है जेट में से एक ट्वेंटी साल का लड़का कोल्ड और, और एंड इमोशनलेस फेस के साथ बाहर आता है जेट से उसे देखते ही सभी बॉडी अपने सर झुका लेते हैं लड़का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सब डर से अपना सिर झुका लेते थे वो सीधे विला के अंदर चले गया वो जैसे ही अंदर पहुंचा अंदर एक लोग बैठे इंतजार करते हुए दिखाई दिए जैसे ही एक अधेर उम्र की औरत आगे बढ़ के लड़के को गले लगाने वाली थी लड़का पीछे हो गया और अपनी ठंडी आंखों से उन्हें देखने लगा उसे खुद को ऐसे देखता पाकर वो औरत उदास हो गई जो कि और नहीं बालकी उसकी माँ अंशिका राठौड है चलिए इस लड़के और इसके परिवार वालों के बारे में जानते हैं आहार्य सिंह राठौर ट्वेंटी एट एरोगेंट रूड क्रूल हार्टलेस इगोइस्टिक ये सब कह सकते हैं इन्हें लड़कियों से ही है अगर कोई लड़की इन्हें टच भी कर ले तो इनके शरीर में रिशाश आ जाते हैं इसलिए ये हमेशा खुद को मास्क और ग्लव्स से ढककर रखते हैं इन्हें ज़्यादा बात करना नहीं पसंद ये अपने परिवार के हेड हैं लेकिन ये किसी के प्यार में हद से ज्यादा दीवाने और पागल है उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो इनकी जान है संभव सिंह राठौर 65 ये आहार्य के दादाजी हैं इन्होंने ही राठौर साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है ये थोड़े सख्त है लक्ष्मी सिंह राठौर 62 ये आहार्य की दादी जी हैं ये बहुत दयालु और मासूम है वीरेंद्र सिंह राठौर फिफ्टी ये आहार्य के पिता है ये बहुत सख्त और भावनहीन स्वभाव के हैं ऐसा कह सकते है कि आहार्य इन्हीं पे गया है ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अंशिका सिंह राठौर 51 ये आहार्य की माँ है ये अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और बहुत मासूम भी है रौनक सिंह राठौर 50 ये आहार्य के चाचा जी हैं अपने भाई का हमेशा साथ देते हैं फिर वो गलत हो या सही इसे फर्क नहीं पड़ता है दिव्या सिंह राठौर 48 ये आहार्य की चाची जी है ये भी अपनी भाभी को बहुत प्यार करती है और ये मासूम है अभय सिंह राठौर ट्वेंटी ये रौनक और दिव्या के बड़े बेटे हैं अपने भाई और परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अजय सिंह राठौर ट्वेंटी ये रौनक और दिव्या के छोटे बेटे हैं ये भी सबको बहुत प्यार करते हैं ये और अभय जुड़वा हैं तो कहानी शुरू करते हैं ये लड़का कोई और नहीं आहार्य सिंह राठौर ही है जो अपनी एक बिजनेस मीटिंग करके आज ही आया है देखने में जैसे कामदेव भी हार जाए सिक्स फोर कद भूरी आंखें मस्क्यूलर बॉडी ब्लैक सिल्की हेयर इन्हें देख के ही लगता है जैसे जिम में वन या टू घंटे तो होते ही होंगे आहार्य इमोशनलेस और रूड वॉइस में मॉम कितनी बार कहा है कि मुझे गले मत लगाया करो अंशिका उदास आवाज में क्या मैं अपने बेटे को अब गले भी नहीं लगा सकती आहार्य रूड वॉइस आप जानती हैं ना अगर आपने मुझे गले लगाया तो मुझे अलर्जी हो सकती है इतना बोलते ही वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है जो फाइव मंजिल पर था फाइव मंजिल पूरा ही आहार्य का था वह कोई जाए ये उसे पसंद नहीं था इसलिए वह कोई भी नहीं जाता था अभय शांत आवाज़ में बड़ी मम्मी आप चिंता मत कीजिए भाई ठीक हो जाएंगे एक दिन देखना संभव शांत भाव से हा बेटा आप देखिएगा जब वो इन्हें मिलेंगे तब ये ठीक भी होंगे और हमारे साथ भी रहेंगे दिव्या असमंजस से पापा वो कब आ रही है या क्या उसके आने से सच में आहार्य पर असर होगा आप तो जानते हैं ना उनको लड़कियों से कितनी परेशानी है कहीं वो उसे चोट ना पहुंचाए संभव आप चिंता ना करें जब आप सब उनसे मिलेंगे तब आप सब समझ जाएंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अजय खुशी से मैं तो बहुत उत्साहित हूँ उसे मिलने के लिए वीरेंद्र शांत भाव से हाँ मैं भी तो हम अब जानते हैं आहार्य सिंह राठौर हमारे हीरो के बारे में ये टेन साल के एज से ही बिजनेस में अपनी पकड़ बना लिया था और अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं इन्हें लोग किंग कह के बुलाते हैं इनसे दुश्मनी लेने वाला कहा गया आज तक कोई नहीं जान पाया है इन्होंने अपने खुद का एम्पायर खड़ा किया हुआ है जो नंबर वन पे आती है और ये एशिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर है अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं पर उनसे दूर रहते हैं अपनी एलर्जी के कारण आहार्य का कमरा आहार्य का कमरा आलीशान के साथ साथ ऐसा लग रहा था मानो राजा महाराजा का कमरा हो नीचे से आने के बाद वो सीधे नहाने चला गया क्योंकि उसे अनहाइजीनिक लगता था बाहर से आने के बाद वो हमेशा ही नहाता था लगभग थर्टी मिनट बाद वो रूम में आता है कमर पे तौलिया और बालों को तौलिया से सुखा रहा था इस समय उसे कोई भी देख लेता तो मानो पागल ही हो जाता उसके बालों से होता हुआ पानी उसके चेस्ट से लेके एब्स तक पहुंच रहे थे समय वो बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रहा था लेकिन उसकी आँखें अभी भी ठंडी थीं मुंबई सुबह का वक्त एक वलीशान विला जहाँ देख के ही लग रहा था राजसीपन और ठाठ बाटहर जगह बॉडीगार्ड्स तैनात थे वही विला के अंदर बहुत चहल पहल थी लग रहा था जैसे ये उनका रोज़ का रूटीन था वही दूसरी मंजिल पर एक कमरे में जिसके बाहर दो लड़के खड़े थे दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में दोनों ही लड़के दिखने में इतने हैंडसम दिख रहे थे कोई देखे तो देखता ही रह जाए तभी डोर खुलने की आवाज़ से वे दोनों ही अंदर की तरफ देखते हैं जहां एक सेवनटीन एटीन साल के आसपास की लड़की खड़ी उन दोनों को अपनी मासूम आंखों से देख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सोके उठी हो देखने में ऐसी जैसी परी भी इनके सामने फितकी पड़ जाएगी ये तो स्वर्ग की किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी और उतनी ही मासूम भी कमरे को देख के लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग में आ गया हो सब पिंक ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में वो रूम बेहद ही आकर्षण और मनमोह लेने वाला था कमरे के पर्दे गुलाबी रंग में थे जो आती हुई सूरज की किरणों को रोक रहे थे कमरे के बिचो बिच किंग साइज का बेड था बेडशीट और तकिया नीला और सफेद रंग का था कुल मिलाकर वो कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था अब हम दोनों लड़के और लड़की के बारे में जान लेते हैं दोनों लड़कों में से एक का नाम अंश और दूसरे का नाम वंश था और उनके सामने जो लड़की अपनी आधी आंख खोले उन्हें देख रही थी वो कोई और नहीं उनकी प्यारी इकलौती और नटखट बहन आही थी जो हमारी कहानी की हीरोइन है चलिए कहानी की हीरोइन के बारे में जानते हैं और उनके परिवार वालों के बारे में जानते हैं इनकी ज्वाइंट फैमिली है आही मल्होत्रा सेवनटीन ये अपने परिवार वालों की बहुत पसंदीदा है इन्हें बहुत ही लाजों से पाला गया है ये अपने परिवार में अकेली लड़की है इसलिए सब इन्हें सरनखों पर बैठा के रखते हैं ये बहुत ज़िद्दी और नटखट है ये अपने परिवार वालों के लिए बहुत भोली और मासूम है लेकिन बाहर वालों के लिए ये किसी छोटे शैतान से कम नहीं जो हमें आगे पता चलेगा कुछ महीनों में ये एटीन साल की हो जाएगी इनके परिवार में इनके दो दादाजी या दो दादी दादीमा हैं हर्षवर्धन मल्होत्रा 65 फाइव ये परिवार के मुखिया है और घर में सबसे बड़े हैं इनकी इज्जत हर कोई करता है ये अपने छोटे भाई और अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनकी लाडली सिर्फ आही ही है ये बहुत सख्त है सबके के लिए सिर्फ आही को छोड़कर इनकी तो जान बसती है आही में इनके टू बेटे हैं सुमित्रा मल्होत्रा 62 ये हर्षवर्धन जी की पत्नी है ये बहुत मासूम स्वभाव की है इनकी भी लाडली हमारी आही है अरविंद मल्होत्रा 63 ये हर्षवर्धन जी के भाई हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं ये हमेशा ही अपने भाई के साथ रहना चाहते थे इसलिए ये कभी उनसे अलग नहीं हुए इनकी भी लाडली ही है इनके थ्री बेटे हैं आस्था मल्होत्रा सिक्सटी ये अरविंद जी की पत्नी है ये थोड़े सख्त स्वभाव की है सबके लिए सिर्फ आही को छोड़कर इनकी तो जान बस्ती है आही में हर्षवर्धन और सुमित्रा जी के बेटे और बहु अशोक मल्होत्रा फिफ्टी फाइव ये हर्षवर्धन और सुमित्रा जी के बड़े बेटे हैं ये इमोशनलेस है और कठोर स्वभाव के है इनसे सभी डरते हैं सिर्फ आही और कार्तिक को छोड़कर आही इसलिए क्योंकि ये इनकी लाडली है इनकी जान से प्यारी बेटी है और कार्तिक इसलिए क्योंकि ये इनकी तरह कोल्ड और इमोशनलेस स्वभाव का है इनका एक बेटा और एक बेटी है बेटी हमारी आही ही है गीता मल्होत्रा फिफ्टी ये अशोक जी की पत्नी है और कार्तिक और आही की माँ है ये दयालु है और बहुत ही सुलझी हुई भी इनकी लाडल इनकी राजकुमारी ही है आरव मल्होत्रा 52 ये हर्षवर्धन और सुमित्रा जी के दूसरे बेटे और अशोक जी के छोटे भाई हैं ये अपने भाई से विपरीत चुलबुले स्वभाव के हैं इनके टू बेटे हैं पर इनकी लाडली आही रही है ये हमेशा उसे नई नई शरारते सिखाते रहते हैं नीतू मल्होत्रा 49 ये आरव जी की पत्नी है ये सख्त है स्वभाव से लेकिन आही के लिए ये कुछ भी कर सकती है आही इनकी जान है अरविंद और आस्था जी के बेटे और बहू कुणाल मल्होत्रा 55 ये अरविंद और आस्था जी के बड़े बेटे हैं ये अपने भाई अशोक से कुछ घंटे ही छोटे हैं ये भी थोड़े सख्त स्वभाव के हैं पर सबसे ज्यादा आही को मानते हैं इनका वन बेटा है बाकी आगे की कहानी में पता चलेगा नीता मल्होत्रा 52 ये कुनाल जी की पत्नी है ये थोड़े जिद्दी है और आही को भी अपनी तरह जिद्दी बना रही है केशव मल्होत्रा 53 ये अरविंद और आस्था जी के दूसरे बेटे हैं ये नटखट और शरारती है आही इन्हीं पे गई है ऐसा कह सकते हैं इनके वन बेटे हैं सृष्टि मल्होत्रा 51 ये केशव जी की पत्नी है और आही इनकी लाडली राजकुमारी है उसके शरारतों को सबसे छुपाती है ये शिव मल्होत्रा 50 ये अरविंद और आस्था जी के तीसरे बेटे हैं ये बहुत भोले हैं पर बात आही की हो तो सबसे खतरनाक बन जाते हैं इनके टू जुड़वा बेटे हैं आशी मल्होत्रा 47 ये शिव जी की पत्नी है इन्होंने ही आही का नाम रखा था खुद के नाम से रिलेटेड आही से बहुत प्यार करती है और घर की सबसे छोटी बहू है इन सबके बच्चे कार्तिक मल्होत्रा ट्वेंटी ये अशोक और गीता जी के बेटे हैं आही के भाई ये अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं उसके लिए प्रोटेक्टिव और पजेसिव है बहुत ये कोल्ड और इमोशनलेस स्वभाव के है बेरहम भी कह सकते हैं कृष मल्होत्रा ट्वेंटी ये आरव और नीतू जी के बड़े बेटे हैं ये भी अपने भाई कार्तिक की तरह है आही के लिए प्रोटेक्टिव और पजेसिव है उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा 26 ये आरव और नीतू जी के दूसरे बेटे हैं ये भी आही के लिए प्रोटेक्टिव और पजेसिव रहते हैं उसे थोड़ी सी भी चोट लगे तो इनकी जान निकल जाती है ये कठोर स्वभाव के हैं आदित्य मल्होत्रा 28 ये कुणाल और नीता जी के बेटे हैं ये कार्तिक की उम्र के है उसकी तरह ही आही को लेके प्रोटेक्टिव और पजेसिव है ये ज़्यादा बोलते नहीं है सिर्फ़ आही से ही ज्यादा बोलते हैं विकास मल्होत्रा ट्वेंटी ये केशव और सृष्टि जी के बेटे हैं कार्तिक और आदित्य से छोटे हैं बाकी सबसे बड़े ये चुलबुले स्वभाव के हैं आही के लिए प्रोटेक्टिव और पजेसिव है अंश मल्होत्रा और वंश मल्होत्रा ट्वेंटी ये शिव और आशी जी के बेटे हैं ये दोनों जुड़वा हैं ये अपनी बहन आही का उसकी शैतानियों में हमेशा साथ देते हैं उसके लिए प्रोटेक्टिव और पजेसिव भी है तो ये रहा आही के परिवार का परिचय थोड़ा बड़ा परिवार है पर बहुत प्यारा है आही का कमरा अंश और वंश अपने सामने खड़ी लड़की को अपनी एडोरेबल आयस से देखे जा रहे थे फाइव फुट टू इंच ग्रीन हेजल आंखें लंबे रेशमी काले बाल गुलाबी होंठ छोटा सा नाक दूध से भी ज्यादा गोरी कोमल त्वचा अपर लिप्स के ऊपर काला तिल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था उसके गालों पर पड़ते डिम्पल का क्या ही कहना कुल मिलाकर इस समय अगर कोई लड़का उसे देख लेता तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता सोके उठने के वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी अंश और वंश अंदर आते हुए उसके गालों पे एक एक किस कर देते हैं और उससे बहुत ही स्वीट आवाज में कहते हैं अंश बच्चा जल्दी से तैयार हो जाओ आज आपका आखिरी पेपर है वंश हाँ बच्चा फिर आपका वन टू खत्म हो जाएगा और हम खूब मस्ती करेंगे जल्दी करो तब तक हम आपके कपड़े निकाल के रखते हैं आही बच्चों वाली आवाज में क्यूट पाउट करते हुए ठीक है भैयुज में अभी तैयार होके आती हूँ इतना कहते ही वो खुशी से उछलते हुए वॉशरूम में भाग जाती है वही उसे ऐसे उछलते कूदते जाते हुए देख अंशवंश साथ में परेशान भरी आवाज से आराम से बच्चा। कुछ समय बाद आही नहाकर बाथरूम में ही बाहर आती है इस समय उसके बाल गीले थे उसके गीले बालों से गिरता पानी उसके बालों से होता हुआ उसके सुराही दार गर्दन से नीचे जा रही थी जिससे वो बहुत ही हॉट सेक्सी और क्यूट लग रही थी उसके गाल लाल हो गए थे गर्म पानी से नहाने के वजह से वो इस वक्त बिल्कुल किसी छोटे बन्नी की तरह क्यूट और मासूम लग रही थी वॉशरूम से आने के बाद वो बेड पे अपने कपड़े देखती है तो उसे लेके चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने लगती है चेंज करके बाहर आती है वो बला की खूबसूरत लग रही थी बिना कुछ किए ही पिंक टी शर्ट और सफ़ेद डंगरी में आही कमाल की लग रही थी व्हाइट शुज कैरी किया था उसने चेंजिंग रूम से बाहर आकर उसने देखा कार्तिक और आदित्य उसी का इंतज़ार कर रहे थे उन दोनों ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी तरफ बढ़ गए और प्यार से उसे गले लगाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया कार्तिक आही के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगा आदित्य आही के शूलेस बांधने लगा और आही किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठी अपनी बनी आंखों से उन दोनों को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी कार्तिक ने उसके बालों को सुखाने के बाद उसके बालों को खुला छोड़ दिया था और एक बटरफ्लाई वाला हेयरबैंड लगा दिया था सिर्फ इतने में ही वो बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी आदित्य उसके शूलैस बांधने के बाद उसके होठों पर लिप बम लगा देता है आही अब पूरी तरह से तैयार हो गई थी और अपनी बनी आंखों से अपने भाइयों को देख रही थी जो उसे ही बड़े प्यार से देखे जा रहे थे कार्तिक प्यार से हनी चलो नाश्ता कर लो फिर तुम्हें पेपर देने भी जाना है आदित्य प्यार से हाँ हनी चलो जल्दी चलो चलते हैं आही खुशी से अपनी प्यारी आवाज़ में हा हा चलो इतना कहते ही वो अपने दोनों भाइयों के एक एक हाथ को पकड़ के उछलते हुए बाहर चली जा रही थी उसके भाई भी उसे लेके आगे जाने लगते हैं वही नीचे सब आही कार्तिक और आदित्य का इंतजार कर रहे थे हर्षवर्धन जी रॉबली आवाज में अरे भाई अभी तक हमारी राजकुमारी क्यों नहीं आई उन्होंने इतना कहा ही था कि एक प्यारी आवाज़ सबके कानों में गुज जाती है जिससे सबके चेहरे पर 440 हंड्रेड वोल की मुस्कान आ जाती है और सब आवाज़ की दिशा में प्यार से देखने लगते हैं आवाज़ कुछ इस तरह की थी हम आ गए बडी जो कि और कोई नहीं आही ही थी जो कार्तिक और आदित्य का हाथ छोड़कर अपने दादाजी के पास जाके उन्हें गले लगा लेती है हर्षवर्धन जी हंसते हुए आराम से बच जा तभी गीताजी को आही के प्रिंसिपल का कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए वो थोड़ी दूर जाती है कुछ समय बाद गीताजी गंभीर चेहरे के साथ सबके पास आके आही से सख्त लहजे में पूछती है गीताजी सख्त भाव से आही ये क्या तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आया था वो कह रहे थे तुमने किसी लड़के के बालों में चिंगम लगा के उसे बाथरूम में बंद करके उसे रस्सियों से बांध के चूहे छोड़ दिया था तुमने उनका इतना कहना था कि आही की भूरी हरी आंखों से मोती की तरह धराधर आंसुओं की धारा बहने लगा उसे ऐसा देख के सबका चेहरा कोल्ड और डाक पर गया गीता जी को छोड़ के क्योंकि वो अभी भी आही को घुके देख रही थी अशोक जी ठंडी आवाज में आप क्या बोल रही हैं आपको अंदाजा भी है गीता जी गंभीर चेहरे से हा भाभी आपको गुड़िया से ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए वो कितनी मासूम और भोली है ये तो आपको पता ही है कार्तिक पोकर फेस से मैं तो उस प्रिंसिपल को ही खत्म कर देता हूँ जो वो ऐसी झूठी बातें बच्चा के लिए बोल रहा है क्रिश ठंडी आवाज़ में हा भाई आज ही उसका काम तमाम कर देते हैं वही गीता जी ने अभी तक फोन कॉल कट नहीं किया था प्रिंसिपल ने जैसे ही ये सब सुना उसकी हवाइयाँ उड़ गई अब वो पछता रहा था गीता जी को फोन करके उसने कॉल कट करके फिर वापस गीता जी को कॉल लगाया गीता जी के फोन पे किसी का कॉल आया देख अरविंद जी गंभीर आवाज में पूछते हैं कौन है कॉल पे बेटा उनकी बात सुन के गीताजी बोलती है प्रिंसिपल है डैड गीताजी की बात सुनकर सबका चेहरा काला पड़ जाता है और सब उस फोन को अपनी जानलेवा नजरों से घुने लगते हैं तभी आरव जी ठंडी आभा के साथ कहते हैं स्पीकर पर रखिए आप कॉल उठा के गीताजी में सर हिलाकर कॉल रिसीव करके स्पीकर पर रख देती है वैसे ही फोन के दूसरे तरफ से प्रिंसिपल हरबराहट में बोलता है प्रिंसिपल घबराहट में मुझे खेद है गीता जी मुझे माफ कर दीजिए दरअसल उस लड़के के साथ वो सब किसी और ने किया था हमें अभी ही पता चला हमें माफ कर दीजिए उस प्रिंसिपल की बात सुनकर सबका चेहरा काला पड़ जाता है वही आही इविल स्मर्क के साथ फोन को देख रही थी तो वही गीता जी प्रिंसिपल से रुड आवाज में बोलती है अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहना तो वही केशव जी भी ठंडी आवाज में बोलते हैं और सड़क पे आने के लिए भी तैयार रहना इसके बाद गीता जी फोन कट करके आही की तरफ देखती है तो उनके दिल में एक तिस उठती है क्योंकि आही का पूरा चेहरा लाल हो गया था रोने के वजह से और वो हिचकिया भी लेने लगी थी हर्षवर्धन जी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तभी गीता जी अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ गुड़िया मुझे माफ कर दो मुझे प्रिंसिपल की बात नहीं माननी चाहिए थी आई एम सॉरी बच्चा वही उनकी बात सुन के सुमित्रा जी ताना मारते हुए कहती हैं क्या आप जानती नहीं हैं हमारी बच्ची कितनी भोली मासूम और शांत स्वभाव की है फिर आप उसे ऐसे गंभीर लहजे में कुछ कैसे कह सकती हैं वही उनकी बात सुन के आस्था जी भी तंज भरे लहजे में बोलती है वही तो अपनी बच्ची को छोड़कर आपको बाहर वाले पर ज्यादा ही भरोसा है अब वो इतना रोई उसका क्या जिसकी आंखों में हम एक भी आंशु नहीं देख सकते गीता जी भी खुद को बहुत दोषी मान रही थी और अपना सिर झुका लिया था उनको खुद पे ही गुस्सा आ रहा था अपनी बच्ची से ऐसे बात करके उनको ऐसे देखे आही धीरे कदमों के साथ उनके पास जाकर उनके आंसू पूछते हुए आही प्यारी आवाज में और प्यार से पाउट करते हुए मम्मा आप उदास मत हो आपका हक है मुझसे कुछ भी कहने का इतना कहते ही वो गीता जी के गालों पे एक प्यारी किसी कर देती है वही उसे इतनी प्यारी हरकतें करता देख सब मुस्कुराहट और प्यार से उसे निहारने लगते हैं फिर सब नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ वही कृष और सिद्धार्थ के बीच में बैठी थी वो दोनों ही उसे बारी बारी से प्यार से खिला रहे थे वही आही खाते हुए सोच रही थी फ्लैशबैक एक लड़का एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ वॉशरूम में ले जा रहा था वो लड़की उससे छुटने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो छूट नहीं पा रही थी तभी उस लड़के के आंख में कोई पेपर स्प्रे कर देता है जिससे उसकी पकड़ उस लड़की पर से छूट जाती है और वो लड़की भाग जाती है उस लड़के पर स्प्रे करने वाला और कोई नहीं आही ही थी जो उसे उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा तो उसके बचाव में आगे आ गई फिर वो उसके बालों में बहुत सारा चिंगम चिपका देती है उसके हाथ भी बांध देती है और उसे वॉशरूम में लॉक करके वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे चूहे छोड़ देती है अब ऐसा मत सोचना चूहे कहा से आए आही बहुत ज्यादा शरारती है तो उसके पास सबका स्टॉक रहता है फ्लैशबैक एंड आही यही सब सोचते हुए मुस्कुराए जा रही थी नाश्ता करने के बाद आरव जी और कुणाल जी उसे छोड़ने के लिए जाने लगते हैं तभी वो अपने दादाजी से बोलती है बड़ी मैं परीक्षा देने के बाद बड़े बड़ी से मिलने जाऊंगी हर्षवर्धन जी मुस्कुराते हुए हाहा हा आप चले जाना अपने बड़े बड़ी से मिलने ठीक है इतना कहते ही वो हंस देते हैं फिर आही सबको बाय बोलती है और सभी उसको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं राठौर विला दोपहर का वक्त आज दादाजी ने किसी को काम पे नहीं जाने दिया था उनका आदेश था कि सबको घर पे ही रहना है इसलिए आहार्य भी नहीं गया वैसे वो चाहता तो चला जाता पर वो अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता है इसलिए घर से ही काम करने लगा सब हॉल में ही बैठे थे तभी वीरेंद्र जी गंभीर भाव से पापा आपने सबको घर पर क्यों रोका है उनकी बात सुन के सब जिज्ञासावस दादाजी को देखने लगते हैं जो कब से इंटरेस्ट गेट की तरफ अधीरता से देखे जा रहे थे दादाजी वीरेंद्र जी का सवाल सुने के बिना उसकी या देखे ही जवाब देते हैं कुछ समय रुक जाओ पता चल जाएगा वही दादाजी की बात सुन के फिर से सब मुंह बना लेते हैं और दरवाजे की तरफ ही वो सब भी देखने लगते हैं तभी बाहर से बहुत ही मीठी और प्यारी बच्चों वाली ज़ोरदार आवाज़ पूरे विला में गूंज जाती है जिसे सुनकर सब उस आवाज़ के दीवाने हो गए अब उसे देखने के लिए सभी बेताब हुए जा रहे थे वही वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी हम आ गए बडी जिसे सुनते ही दादाजी तो खुशी से उछल पड़े और उनका ये रिएक्शन देख सभी घर वाले शौक में चले जाते हैं क्योंकि दादाजी हमेशा ही सीरियस रहते थे दादाजी जल्दी से चलते हुए एंट्रेंस की तरफ जाते हैं तभी कोई छोटी सी आकृति आकर उनके गले से लिपट जाती है सभी बस शौक में खड़े ही रह जाते हैं तभी दादाजी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए खुशी से उसके चेहरे को देखते हैं जो उनके सीने से चिपकी हुई थी घीरे से दादाजी से लिपटी परचाई दूर होती है तो सब उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कोई भी अपनी पलके तक नहीं झपकता जो दादाजी से गले लगी वो कोई और नहीं आही ही थी जो अपने बड़े बडी से मिलने आई थी जी हाँ आही के बड़े बडी शंभव सिंह राठौड़ ही हैं जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तभी आही खुशी से उछलते हुए अपने मासूम बन्नी हेजल हरी आंखों से दादाजी को देखते हुए कहते हैं बडी देखो मैं आपसे मिलने आ गई और अब मेरी छुट्टियां भी शुरू हो गई है तो अब हम ज्यादा समय साथ रहेंगे इतना कहते ही वो बहुत मासूम और प्यारी मुस्कान लिए दादाजी को देखने लगती है जिससे उसके गालों पर डिंपल्स पड़ रहे थे और वो बहुत ज्यादा ही एडोरेबल दिख रही थी दादाजी भी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोलते हैं हा लाडो हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और खूब सारी मस्ती भी करेंगे तभी आही की नजर बाकी सबसे मिलती है तो वो जल्दी से दादाजी के पीछे छुप जाती है क्योंकि सब उसे ही आंखें फाड़े देखे जा रहे थे उसका ऐसा रिएक्शन देख के दादाजी उसकी आंखों का पीछा करते हैं तो उनका चेहरा कठोर हो जाता है और वो अपनी ठंडी आवाज़ में सबको बोलते हैं आप सब हमारी लाडो को डराइए मत दादाजी के आवाज़ से सब सदमे से बाहर आते हैं और दादाजी के पीछे छुपे प्यारे बन्नी को देखने की कोशिश करते हैं दादाजी जब देखते हैं सब आही के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपने पीछे से आही को निकलते हुए उसका परिचय सबसे करवाते हुए दादाजी खुशी से अपने परिवार वालों को देखते हुए आही की तरफ इशारा करते हैं ये हमारी लाडो है जिसके बारे में हमने आप सबको बताया था और इनका नाम आही मल्होत्रा है इन्होंने आज ही अपना वन टू का आखिरी एक जाम दिया है वही घर वाले सब तो बस एकटा आही को ही देखे जा रहे थे और उसका परिचय सुन सब के सबके चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान आ जाती है क्योंकि उन लोग ने अभी तक उसे देखा नहीं था पर दादाजी से उसके बारे में बहुत कुछ सुना था उन्होंने और सब उससे मिलना भी चाहते थे जो आज हो गया दादाजी आही की तरफ पलटते हुए अपने हाथ के इशारे से अपने परिवार वालों की तरफ इशारा करते हुए आही को बताते हैं लाडो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था फिर दादाजी सबका परिचय आही को करा देते हैं लेकिन वीरेंद्र जी का परिचय कराते टाइम वो बोलते हैं और ये हमारे बड़े बेटे हैं सबसे ज्यादा दरवाने और भयंकर वही अपना ऐसा परिचय होता देख वीरेंद्र जी अपनी भौहे सिकोड़ते हुए दादाजी को देखते हैं फिर आही को आही को देखते ही उनकी आंखें नर्म हो जाती है और अधरों पे मुस्कान आ जाती है और वो अपनी मुस्कान के साथ दादाजी से बोलते हैं क्या डैड आप मुझे बच्ची की नज़रों में डरावना साबित करना चाहते हैं फिर वो वही की तरफ देखते हुए प्यार से और मीठी आवाज में बोलते हैं बच्चा आप डरिएगा मत हम ऐसे नहीं हैं। जैसे आपके बडी कह रहे हैं वही उनकी बात सुन के सभी घर वाले यहाँ तक कि दादाजी भी शौक हो जाते हैं क्योंकि वीरेंद्र जी कभी ऐसी मीठी और प्यारी आवाज में बोलते ही नहीं थे किसी से भी हमेशा उनके अंदर से ठंडी आभा और खतरनाक वाइब्स ही आती थी तो वही आही उनकी बात सुनकर अपनी प्यारी आवाज़ में स्माइल करते हुए उनसे बोलती है ठीक है अच्छे अंकल हम आपसे नहीं डरेंगे इतना बोलते ही वो बहुत लंबी मुस्कान लिए उन्हें अपनी चमकती आंखों से देखने लगती है जिससे उसके गालों पे डिम्पल पड़ रहे थे उसके खुले बाल जिस पर बटरफ्लाई हेयर बैंड लगा था उसकी हरी हेजल आंखें उसकी आंखों में चमक और उसके गालों पे पड़ते डिम्पल उसे बहुत ही हसीन और प्यारा बना रहे थे इस वक्त सच में वो किसी परी से कहीं गुना ज्यादा ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी सब अपनी आँखों में प्यार लिए ही उसे निहार रहे थे वही फाइव मंजिल की सीलिंग से कोई कब से आही को देखे जा रहा था जो उसकी आवाज सुन के ही अपने कमरे से कॉरिडोर में आ गया था ब्लैक शर्ट ब्लैक पेंट में वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगा रहा था और अपनी सुंदर भूरी आंखों से आही को ही देखे जा रहा था अपने भावहीन चेहरे से ये कोई और नहीं आहार्य ही था जो इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर खुद को बाहर आने से रोक नहीं पाया आही को ऐसे ही कुछ देर तक देखने के बाद फिर वो कमरे के अंदर बालकनी में चला गया पर उसकी आंखों में अब कुछ तो अलग दिख रहा था जो आही को देखने के बाद ही आया था ऐसा कुछ जिसकी शायद खुद की ही कोई हद नहीं थी न ही वो जानता है वही नीचे सब अपने होश में वापस आते हैं तो वही दादीजी आही की तरफ बढ़ते हुए दादी जी प्यार से और ममता से आही का सिर सहलाते हुए बोलती है हाय मेरी लाडो कितनी प्यारी है फिर वो सबको गंभीर आवाज में बोलती है तुम सब नज़र मत लगाओ मेरी लाडो को इतना कहते ही वो अपनी आँखों से काला टीका निकाल के आही के कान के पीछे लगा देती है वही आही झुक के उनका पैर छू लेती है तो उसका ये गेस्टर देख के सब प्यार भरी नजरों से आही को निहारने लगते हैं और सोचते हैं दादाजी ने कितना सच कहा था अपनी लाडो के बारे में सबको बताते समय ये तो उसे भी ज्यादा मासूम स्वीट एडोरेबल और संस्कारी है फिर दादाजी आही से प्यार से पूछते हैं लाडो आप अकेली आई हैं क्या वही उनका ये सवाल सुन सब के सबके माथे पे बल पड़ जाता है वो सब सोचने लगते हैं कि अगर ये अकेली आई है और इसे कुछ हो जाता तो और यही सोच के सबका चेहरा डाक हो जाता है क्योंकि उन्होंने जब आही को देखा भी नहीं था तब से ही उससे उन्हें लगाव हो गया था लेकिन आज उसको देखने के बाद सब उसके लिए खुद को प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे वो सब बहुत ज्यादा घबरा कर आही की तरफ देखते हैं जो दादाजी की तरफ देखते हुए क्यूट पाउट बना के बोलती है दोस्त एवी भैयू आए थे पर उन्हें कॉल आ गया तो दोनों चले गए वही उसकी बात सुनके सब राहत की सांस लेते हैं और उसका प्यारा सा चेहरा देखते हैं जो पाउट के कारण से और अच्छा दिख रहा था तभी आही खुशी और उत्साह से उछलते हुए दादाजी से बोलती हैं बडी मैंने आते वक्त गार्डन देखा वो बहुत बड़ा है बिल्कुल मेरे घर जैसा वहाँ प्यारे प्यारे पेट्स भी हैं मैं जा वहाँ वही उसकी खुशी और उत्साह देख के सब मुस्कुराते हुए उसे ही देखने लगते हैं तो वही दादाजी भी उत्साह भरी आवाज में उसे कहते हैं हा हा जाए हमने आपके लिए ही इतना प्यारे प्यारे पैट्स लिया था हम जानते हैं आपको वो सब कितना पसंद है ये भी तो आपका ही घर है आपको कहीं भी जाने के लिए हमसे पूछने की जरूरत नहीं है वही दादाजी ने जैसे ही ये कहा आही भागते और उछलते हुए बगीचे की तरफ जाने लगी वही उसे उछलते देख सब घबराकर उससे बोलते हैं आराम से गिर मत जाना पर आही तो आही है वो भाग के बगीचे में चली गई पर जैसे ही वो गार्डन में गई उसका फेस डार्क हो गया और उससे बहुत ही डरवानी आभा निकलने लगी आही गार्डन जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका चेहरा डाक हो जाता है और वो आगे बढ़ती ही है कि तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े आहार्य पर पड़ती है तो वो नॉर्मल हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई घर का या उसके बड़े बडी के घर में से कोई उसका डेविल रूप देखे पर बेचारी बच्ची को क्या ही पता की आहार्य कौन है और वो क्या क्या कर सकता है वो चाहे तो किसी की भी छोटी से छोटी जानकारी कभी भी निकाल ले आहार्य को देखने के बाद वो अपना फेस मासूम बना के आगे देखती है जहाँ एक गार्ड बूढ़े माली को लाट से मारकर काम करने को बोल रहा था और अगर वो माली काका का दिल लगा के अच्छे से काम कर रहे थे तो वो वह काम अपनी जूते से उसका काम बिगाड़ देता या बढ़ा देता उनका काम उसके बाद उनको मारकर काम करने पे मजबूर कर देता है और यहीं देखे आही का चेहरा काला हो जाता है पर अभी वो मासूम सा चेहरा बना के उस गार्ड और माली काका का के पास जाती है उसे वहाँ देखे वो गार्ड अपना सिर झुका लेता है क्योंकि उसने देख लिया था कि शंभव जी उसे सबसे ऊपर की प्राथमिकता दे रहे हैं उसी से वो समझ गया कि वो आही को नाराज नहीं कर सकता था न ही तो आगे जाके पता नहीं उसकी लाश भी किसी को मिले या नहीं वही गार्ड को सर झुकाता देख आही विल स्मर्प करती है आही पहले गार्ड को देखती है उसके बाद वो मालिका का को अपने मासूम चेहरे से देखती हैं और अपनी आंखों में उनके लिए सम्मान लिए उनका हाथ पकड़ के खड़ा करती है और अपनी जेब से हैंकी निकाल के उनके पसीने और आंसू पोचती है वही ये देख वो गार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है तभी आही उस गार्ड की तरफ मुड़ते हुए उसे कठोर आवाज में पूछती है आही क्या मैं जान सकती हूँ तुम काका को मार क्यों रहे थे तो वो गार्ड जल्दी से हड़ब्राहट में जवाब देता है मैम वो ये काम अच्छे से नहीं कर रहा था इसलिए तो वही उसकी ये बात सुन कि की भौहे जाती है और वो बहुत ही गंभीर आवाज में बोलती है अच्छा तो ठीक है अब आप ये काम अच्छे से करके बताइए उसकी बात सुनके वो गार्ड और माली काका दोनों हैरान हो जाते हैं तभी गार्ड डरते हुए बोलता है गार्ड ना ना नहीं मैम ये मुझसे नहीं होगा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आही ठंडी आवाज में मैंने कहा ना अब ये काम तुम करोगे तो करोगे और जल्दी करो वरना इतना कह के वो अपनी बात अधूरा छोड़ देती है पर वो गार्ड समझ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता इसलिए वो काम करने लगता है वो जैसे ही एक काम खत्म करता है तो वैसे ही आही वहां जाके अपने पैरों से उसके काम को बिगड़ देती है और फिर गार्ड को वही पड़े एक डंडे को उठाके उसे मारने लगती है और बोलती है अच्छे से काम करो ऐसे ही बहुत बार होता है कहीं कहीं तो वो पानी की पाइप लेके वहाँ पूरा गिला कर देती है तो कभी उस गार्ड को ही गिला कर देती है जिसे गार्ड अब और नहीं सह पाया और आही के पैरों पे गिर गिराते हुए उससे माफ़ी मांगने लगा तो आही ने अपनी ठंडी आवाज़ में उस गार्ड से कहा जब खुद पे बीती तब पता चला कैसा लगता है अब तुम काका से उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगो अगर मैं चाहती तो अब तक और बहुत कुछ कर सकती थी जिससे तुम खुद के ज़िंदा होने पर भी अफसोस करते पर अभी यहां मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती हूं इसलिए तुम्हें छोड़ दिया उसके इतना कहते ही वो गार्ड जल्दी से माली काका के पैरों पे गिर के उनसे माफ़ी मांगने लगा तो काका को उस पे दया आ गई और उन्होंने उसे माफ कर दिया उनका इतना बोलना ही था कि वो गार्ड वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे शेर पड़ा हो तभी काका आही की तरफ मुड़ते हुए आदर और समान भाव से अपने हाथ जोड़ते हुए आही से बोलते हैं धन्यवाद बेटा आपके कारण से आज मैं बच गया तो आही अपनी मीठी सी आवाज़ में कहती है अरे काका आपको पहले ही उसके खिलाफ बडी को बता देना चाहिए था तब ऐसा कुछ होता ही नहीं आही की बात सुन के माली काका कन्फ्यूजन में उससे पूछते हैं बेटा ये बडी कौन है वही उनकी बात सुनते ही आही मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं काका मेरे बडी शंभव सिंह राठौड़ हैं विला के हेड वही आही की बात सुनके काका हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद इसलिए वो गार्डन से इतना ज्यादा डर रहा था अगर ये मालिक को बड़ी कह रही है तो मतलब ही उनके बहुत करीब लोगों में से एक होगी फिर आही देखती है कि वो काका कितना ज्यादा उदास और हैरान लग रहे हैं तो वो उनका मूड फ्रेश करने के बारे में सोचती है आही अपनी मासूमियत की जादू चलाते हुए अपने प्यारे एक्सप्रेशन के साथ काका मैं तो यहाँ प्यारे प्यारे पैट्स के साथ खेलने आई थी पर अभी तो वो यहाँ है ही नहीं कही अब क्या आप मेरे साथ खेलेंगे इतना कहने के बाद वो अपना प्यारा चेहरा और मासूम बनी आँखों से उन्हें देखती है वही उसके ऐसे एक्सप्रेशन तो पत्थर दिल इंसान का दिल भी पिघला दे तो ये तो माली काका थे वो भी उसके मासूमियत के जाल में फंस कर उसे हाँ कह देते हैं फिर क्या था आही भागने लगी और काका उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे पर आही जानती थी कि काका थके है इसलिए वो ज्यादा तेज नहीं भाग रही थी वही उसकी खिलखिलाहट उस बगीचे में गूंज रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजल गाना गा रही हो उसकी हैसी इतनी प्यारी थी कि जो सुनता उसका दिल और दिमाग दोनों ही उसकी हंसी में कहीं खो जाता वही बालकनी में खड़ा आहार्य जब से आही गार्डन में आई थी तब से उसी को देख रहा था और उसके एक क्षण देखकर वो समझ गया था कि वो खुद को कुछ ऐसा वैसा करने से रोक रही थी वही आही की हैसी उसकी मासूमियत से भरी बातें और उसके प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन देख के आहार्य के दिल में एक अलग ही जज्बात जग रहे थे और वो एक तक आही को ही देखे जा रहा था वो समझ गया था कि वो इस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है उसने आही की एक फ़ोटो खींच ली और उसे ही देखने लगा उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था पर उसको देख के ये बताना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है वैसे उसकी आंखें अब उस हैंकी पे गई जिसन से आही ने माली काका का पसीना और आंशु पोछा था वो वही गार्डन में गिर गया था वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी हैंकी में से वो किसी और की खुशबू मिटाना चाहता हो उसके बाद फिर से उसकी नजर आही की तरफ चली जाती है और वो उसे ही देखे जा रहा था तभी वो कुछ ऐसा देखता जिसे देख के उसकी आंखें बहुत ज्यादा ही सर्द हो गई और वो जल्दी से गार्डन जाने के लिए निकलने लगा आहार्य ने अपने फ्लो से ही बाहर जाने की सुविधा की हुई थी जब उसे हॉल से ना जाना हो सिर्फ इतना ही नहीं उसने तो अपने फ्लो से ही बैकयार्ड जाने का रास्ता भी बनवा रखा था उसने बेसमेंट भी अपने ही फ्लो से बनवा रखा था क्योंकि उसे पसंद नहीं था सबके सामने जाना या फिर सबके साथ रहना इसलिए उसने अपनी प्राइवेसी के लिए ये सब सुविधा किया हुआ था वही आहार्य ने गार्डन की तरफ जाने के लिए अपना वही मार्ग चुनता है जो सीधे बगीचे से होता हुआ बाहर जाता था जैसे ही हहारिया गार्डन में गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई ये शायद उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब वो किसी चीज से इतना हैरान हुआ था पर जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और अपने पुराने भावहीन और ठंडी अभिव्यक्ति में वापस आ गया और सामने देखने लगा जहाँ काका एक कोने में डर से कांप रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश ही हो जाएंगे डर से वो बहुत ज्यादा ही डर के आही की तरफ देखते हैं वही आही इस वक्त खुशी से उछलते हुए एक सफ़ेद बाघ के साथ खेल रही थी जी हाँ आहार्य उसी बाघ को देख के बगीचे में इतनी तेजी से आया था क्योंकि ये टाइगर आहार्य को छोड़ के किसी और की बात नहीं मानता था उसे सिर्फ आहार्य ही नियंत्रण कर सकता था वो टाइगर किसी को भी मार देता अगर आहार्य उसे ऐसा करने को बोलता था तो और विला में नए लोगों से उसे दूर ही रखा जाता था क्योंकि वो अनजान को देख के वो उन पर हमला कर देता था यही सोच के आहार्य इतनी तेजी से आगे आया था कि अभी टाइगर से आही की पहचान नहीं कराई गई थी और आही पहली बार राठौर विला में आई थी तो कहीं वो टाइगर आही को मार न डाले और यही सोचते ही आहार्य का दिल जिंदगी में पहली बार धकसा रह गया और उसे बेचैनी भी होने लगी ये सोच के इसलिए उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि उसने अभी भी मास्क नहीं लगाया है और न ही हाथ के दस्ताने पहने हैं वो ऐसे ही भागते हुए गार्डन में आ गया था फिर वो सामने देखता है अपने विचारों से निकल कर उसकी आंखें और ठंडी हो जाती है और उसके आस पास से डरवानी आभा निकलने लगता है उसे थोड़ी जैलेसी भी हो रही थी क्योंकि सामने आ ही उस वाइट टाइगर के गले लगी हुई थी और यही आहार्य से बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेकिन तब तो हद ही हो गई जब आही उस टाइगर के ऊपर बैठ गई और उसके सर पे एक किस कर दिया ये देखते ही आहार्य ने अपने हाथों की मुठिया कस ली क्योंकि उसे आही का किसी को भी छूना पसंद नहीं आया यहाँ तो उसने डायरेक्ट किस ही कर दिया ये वो कैसे सहन कर सकता था वो अपने तेज कदमों से आगे बढ़ा और आही को अपने एक हाथ से ही एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया और उस सफ़ेद बाघ को घूर के देखने लगा जो उसे ही घूर के देख रहा था वही आहार्य के ऐसे अचानक अपनी बाहों में उठाने से आही एकदम से डर गई और कसके आहार्य के हाथों को पकड़ लेती है और सोचती है अभी उसके साथ क्या हुआ वही आहार्य अपने ठंडे आभा से आही को डराना नहीं चाहता था तो उसने अपना भाव सामान्य करना चाहिए कोशिश की उसने इस पे ध्यान देना अब भाई जो किसी के लिए सामान्य नहीं हुआ आज तक वो भी अब होने के लिए प्रयास कर रहा था पर अब उसका स्वभाव ही वैसा था तो उसका सामान्य होना भी डरवाना ही लग रहा था आहार्य शांत भाव से लिटिल बननी तुम्हें ऐसे किसी को गले लगाने की या किस करने की इजाज़त नहीं है वही आही उसकी बात सुन के कन्फ़्यूज़न से अपनी मीठी आवाज़ में उसे पूछती है क्यों आही को किसी को गले लगाना और किस करने की इजाज़त नहीं है आही से तो आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा और न ही आही को किसी ने ऐसा बताया उसके बाद वो व्हाइट टाइगर की तरफ़ देखते हुए उससे एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में कहती है आही का ये नया फ़्रेंड है ये बिल्कुल आही की तरह प्यारा मासूम और समझदार है इतना कहते ही वो आहार्य के बाहों में ही अपनी मासूम बन्नी आंखों से उस व्हाइट टाइगर को देखते हुए खुशी से उछल उछल के ताली बजाने लगती है वही उसकी बात सुनकर तो आहार्य का आभा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया उसने अपनी ठंडी आवाज में ही कहा एक बार कह दिया ना लिटिल बन्नी तो कह दिया और तुम उसे क्यूट मासूम और समझदार नहीं बोल सकती हो तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोलो इतना कहते ही वो अपनी आंखों में खतरनाक और ठंडी आभा को लिए उस व्हाइट टाइगर को घूरने लगता है क्योंकि उसे उससे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी उसे क्योंकि यही ने उसके लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया था अगर अभी आहार्य को उसके घर वाले या उसके साथ काम करने वाले लोग ऐसे देख लेते तो बेहोश ही जाते और ऐसा ही हुआ उन माली काका के साथ वो आहार्य का ये रूप देख के ही सदमे के कारण बेहोश ही हो गया वही आहार्य की बात सुन के आही उसे अपनी मीठी आवाज़ में प्यार से कहती है अच्छा आप पहले ये बताएं कि मैं आपको क्या बुलाऊं उसके बाद ही तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे पाऊंगी उसके बाद कुछ सोचकर वो पहले से ही अपनी कंफ्यूजन करने वाली आवाज़ में कहती है लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट क्या दूंगी मैं आपको जानती भी नहीं वही फिर से कुछ सोचकर आही उसे एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहती है लेकिन आप चिंता मत कीजिए अब मेरी छुट्टियां शुरू हो गई है तो आप मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करना फिर मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट दूंगी ठीक है अब आप खुश हैं इतना कहते ही खुशी और आंखों में चमक लिए वो आहार्य के गालों पे एक बेबी किस देखे उसे ही देखने लगती है जैसे वो कहना चाह रही हो देखा मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ वही आही के ऐसे उसको बेबी किस करना और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का कहना आहार्य के ठंडेपन और डरावनी आभा को कम कर दिया था और अब वो शांत भाव से आही को देख के बोलता है दैट्स लाइक माई लिटिल बनी बनीहा मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा और तुम मेरे साथ ही ऐसा कर सकती हो और किसी को भी नहीं ठीक है इतना बोल वो आही को ऐसे देखता है जैसे उसे धमाकी दे रहा हो पर आही तो आहार्य के सामने अपनी सारी समझदारी और दिमाग लगाना जैसे भूल ही गई हो और उसे उसकी धमाकी समझ ही नहीं आई वही वो व्हाइट टाइगर आहार्य को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो क्योंकि वो जब से आही मिला था और उसने जब से आही को देखा था उसे आही की सुरक्षा करने की वायब आने लगी और वो भी अब आही को लेके प्रोटेक्टिव हो गया था क्योंकि आहार्य को छोड़ रही ही एक ऐसी इंसान थी जो उससे बिना डरे हुए प्यार से देख रही थी दरअसल हुआ ऐसा था आही भाग रही थी तभी उसे सामने से एक वाइट टाइगर आता हुआ दिखा जो दिखने में बहुत साफ दिख रहा था कोई और देखता तो डर जाता क्योंकि वो व्हाइट टाइगर डरावना भी दिख रहा था पर आही को तो वो बहुत ही मासूम और क्यूट लग रहा था बिल्कुल खुद की तरह इसलिए वो उछलते हुए उसके पास जाके उसे एकदम से गले लगा लेती है और अपनी प्यारी आवाज और आंखों में चमक को लिए उससे बोलती है अरे तुम तो बहुत क्यूट और मासूम हो बिल्कुल मेरी तरह इसलिए आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए और मैं तुम्हें कोको को कह के ही बुलाऊंगी वही वो वाइट टाइगर जिसका नाम आहार्य ने हंटर रखा था वो अपना इतना प्यारा नाम सुन के और उस प्यारी सी लड़की को देख के पिघल गया अब जो सिर्फ एक आवाज़ में आहार्य सिंह राठौड़ को आकर्षित कर सकती है फिर उसके लिए ये कौन सी ही बड़ी बात थी और उसके बाद वही उस वाइट टाइगर के साथ खेलने लगी तभी कुछ समय बाद से आहार्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और हंटर वाइट टाइगर उसे ऐसे देखने लगा जैसे आहार्य ने उससे उसकी पसंदीदा चीज़ ले ली हो पर आहार्य ने उसे इग्नोर किया और आही को देखने लगा जो बहुत ही मासूमियत से उसे ही देख रही थी तब अचानक ही आहार्य को क्लिक हुआ कि वो तो वैसे ही डायरेक्ट आही को टच किया हुआ था लेकिन बिना दस्तानों के उठा लिया फिर भी अभी तक उसे कुछ हुआ क्यों नहीं क्या उसकी बीमारी ठीक हो गई है या फिर वो आही को ही सिर्फ टच कर सकता है और उसे कुछ नहीं हुआ ये देख के तो वो और भी ज्यादा आही की तरफ झुकने लगा और उसे ऐसे देखने लगा जैसे अगर आही उसे ना मिली तो वो पूरी दुनिया ही तबाह कर देगा उसके बाद आहार्य आही से ऐसा कुछ बोलता है जिससे आही खूब जोर जोर से हंसने लगती है आहार्य आही को छेड़ने वाले भाव से बोलता है वैसे सब मुझे देविल बोलते हैं पर मुझे लगता है तुम भी देविल ही हो वही उसकी ऐसी बात सुनके आही जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है ये क्या बात हुई मिस्टर अन्नौनाप देविल कहाँ लगते हैं ये तो बहुत बड़ा मज़ाक है इतना कहते ही वो फिर से हंसने लगती है फिर उसकी बातों पे गौर करते हुए बालों से बोलती है क्या कहा आपने मुझे देविल क्या मैं आपको शैतान लगती हूँ मैं तो बहुत ज्यादा क्यूट मासूम मासूम और बुद्धिमान हूँ मेरे जैसा कोई नहीं और आप मुझे शैतान बोल रहे हैं इतना कहते ही वो अपनी भौहे सिकोर के आहार्य को घुने लगती है उसका गुस्से से लाल पड़ चुका चेहरा वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो इस समय ग्रीक गॉडेस लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सुंदर पेंटिंग बना के उसमें जान डाल दिया हो और वही आहार्य तो उसका इतना खूबसूरत चेहरा देख के उसे ही अपनी दीवानी आंखों से देखने लगा उसे ये एहसास हो गया था कि उसका आही के प्रति सिर्फ आकर्षण ही नहीं है बल्कि अब वो आही को उसकी दीवानगी और पागलपन की हद तक चाहने लगा है और उसे जब ये एहसास हुआ तो उसके होठों पर इविल स्मर्क आ जाती है और वो अपनी सनक भरी आवाज में ही बोलता है लिटिल बन्नी सही कहा तुमने तुम सबसे ज्यादा प्यारी मासूम और बुद्धिमान हो इसलिए मुझे तुम्हें सबसे छुपा के रखना पड़ेगा ताकि तुम्हें कोई भी ना देख सके वही उसकी आवाज़ में आही को एक अलग सा जुनून और पागलपन नजर आता है जिसे महसूस करके एक बार को वो कांप जाती है पर फिर वो इस बात को अपने सर से झटका देती है ये सोच के की शायद मिस्टर अननोन उसके लिए कुछ ज्यादा हिपजेसिव हो गया है तभी वो खुशी से उछलते हुए बोलते हैं चलो मिस्टर अननोन हम लोग कोको -को के साथ खेलते हैं इतना कहते ही वो अपनी आँखों में चमक को लिए आहार्य को देखने लगती है वही आहार्य ये सोचता है कि ये कोको -को कौन है इसलिए वो अपने भौहे सिकोर के आही से पूछता है लिटिल बन्नी ये कोको -को कौन है आही अपने सर पर मारते हुए उससे बोलती है ओफो मिस्टर अननोन आप कितने बुद्धू हैं आपको इतना भी नहीं पता कोको कोई और नहीं ये सफ़ेद बाघ ही है जिसे मैंने ये नाम दिया वही उसकी बात सुनकते ही आहार्य से एक बहुत ही ज्यादा डरवानी आभा निकलने लगता है उसे अब कोको से जलन भी हो रही थी ये सोच के कि आही ने उस टाइगर को कितना प्यारा नाम दिया है और उसे मिस्टर अननोन बोल रही थी और यही सोच के वो आही से रूढ़ आवाज़ में बोलता है लिटिल बन्नी ये क्या तुमने उस गंदे से देखने वाले पेट को इतना अच्छा नाम दिया है और मुझे अभी भी मिस्टर अननोन ही बोल रही हो उसकी बात में उसकी जलन साफ साफ महसूस हो सकती थी और वो घुर के सफ़ेद बाघ को देखता है जो आहार्य को ही देख रहा था ऐसे जैसे वो उसे छिड़ा रहा हो वहीं उसके इशारे समझ के आहार्य का चेहरा कठोर हो गया और उसने बड़े ही डरावनी आवाज में बोला हंटर मुझे लगता है अब तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो वही उसकी ये बात सुन के हंटर को को डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि आहार्य कितना ज्यादा खतरनाक है वो तो शैतानों का भी शैतान है इसलिए वो बिना कुछ बोले ही एक जोर की दहाड़ मार के वापस अपने गुफा की ओर चला जाता है वही आहार्य की इतनी डरवानी आवाज सुनने के बाद भी आही नहीं डरी वो तो आहार्य को ही घुके देख रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे आहार्य उसके प्यारे से कोको को डरा रहा है और यही सोच के वो गुस्से में आहार्य के छाती पर अपने छोटे छोटे हाथों का छोटा छोटा मुक्का बना के उसे मारते हुए कहती हैं आप मिस्टर अननोन तुमने मेरे कोको को डराया क्यों वही पहले तो आहार्य हैरान रह जाता है कि उसकी डरवानी आवाज सुन के भी आही नहीं डरी पर वो जानता था कि उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था डरावना बनाने से ताकि आही डरे ना, फिर भी उसकी थोड़ी भी सख्त आवाज़ लोगों को कांपने पे मजबूर कर देती थी पर ये पिद्दी सी लड़की तो यहाँ उसे ही मार रही थी फिर कुछ सोच के उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो आही से अजीब सी टोन में कहता है लिटिल बन्नी क्या तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा ज़रूरी है वो टाइगर जो तुम उसके लिए मुझे मार रही हो आही उसकी ऐसी बात सुनके उसे देखने लगती है वही उसे खुद को ऐसे देखते पाके आहार्य जल्दी से अपना एक्सप्रेशन एकदम बेबसी और लाचारों वाला बना लेता है जैसे वो बहुत ज्यादा हट हुआ हो आही को उसे ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो जल्दी जल्दी में उससे बोलती है नहीं नहीं आप उससे ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए इतना कह के आही आहार्य के गालों पे किसी कर देती है बारी बारी से वही उसकी ऐसी बातें सुनकर और उसका खुद के गालों पे किस करना आहार्य को बहुत सुकून दे रहा था और वो अपना सर नीचे झुका के देविल स्माइल करके अपने मन में सोचता है मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ लिटिल बन्नी खुद को लाचार और बेबस भी दिखा सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे छोड़ दो और ऐसा अब तुम नहीं सोच सकती हो अब तुम मेरी सनक बनोगी जिसके लिए मैं पूरी दुनिया भी जला सकता हूँ और तुम अब मेरे दिमाग और जहाँ सब जगह अपना दस्तक दे चुकी हो जो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा छोटा बन्नी अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा हाँ मैं तुम्हें अपन कर बना दूंगा पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा अब तुम मेरी वो पागलपन और दीवानगी बन गई हो जिसके बारे में किसी ने ना ही कभी सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा मेरा प्यारा और शरारती छोटा खरगोश माई क्यूट एंड मिस्चिवियस लिटिल रैबिट आहार्य यही सोच के एक बार आही की तरफ अपनी सनक भरी आंखों से देखता है जो उसे ही अपनी मासूम बनी आंखों से देख रही थी उसे देखते हुए आहार्य उसके होठों पर एक पैक दे देता है और फिर उसे अपनी शांत आवाज में कहता है लिटिल बन्नी तुम मुझे यहाँ किस दिया करो ना कि गालों पे मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ वही आही उसकी बात के अपनी मासूमियत से उससे पूछती है पर आही तो आज तक सबको ऐसे ही किस्सी देती थी और सब आही को भी उसके गालों पे ही किस्सी देते हैं इतना बोल के वो अपनी मासूम बनी आँखों से आहार्य की तरफ देखती है वही उसकी बातें सुन के आहार्य की आँखें लाल हो जाती है और उसकी मुठिया कस जाती है लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए आही से अपनी सर्द आवाज़ में कहता है लिटिल बन्नी अब से तुम ऐसे किसी को भी किस नहीं करोगी और सबसे दूर ही रहोगी समझी तुम इतना बोल वो उसे ऐसे देखता है जैसे कि आही को उसकी बात माननी ही पड़ेगी और हुआ भी ऐसा ही आही उसकी आवाज़ सुनके और बात सुनके बेख्याली में ही अपना छोटा सा सरहा में हिला देती है आही को आहार्य के पास से पॉजिटिव वाइब्स रही थी और वो आहार्य का साथ पाके एक अलग ही खुशी का अनुभव कर रही थी इसलिए वो उसकी बात भी मानने लगी थी वही वो दोनों गार्डन में नीचे बैठे हुए थे और आही आहार्य की गोद में बैठी थी आहार्य ने भी उसको कसके पकड़ के रखा हुआ था वही आही तो अपने हाथों में मिट्टी लेके अपने और आहार्य के साथ खेल रही थी और उससे बात भी कर रही थी वही आहार्य तो बस आही को ही देखे जा रहा था जो आहार्य थोड़ी सीधी गंदगी से लोगों को मौत के घाट उतार देता था आज वो अपने लिटिल बन्नी के हाथों से खुद को ऐसे मिट्टी लगाने पर भी बहुत ही सुकून से उसे निहार रहा था जैसे आही मिट्टी ना लगा के उसके ऊपर फूल गिरा रही हो वो दोनों अपने में ही बिजी थे वही दूसरी तरफ अब तक राठौर परिवार विला से बाहर गार्डन में जा रहे थे क्योंकि आही को बहुत समय हो गया था गए हुए तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं आही को कुछ हुआ ना हो उसके साथ वे जब बगीचे में आए तो सामने का नज़ारा देख के तो सबकी अब मानो आंखें बाहर ही आने को थी अभय तो बेहोश ही हो गया था लेकिन सब इतना ज्यादा शौक थे कि कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था सब ऐसे खड़े थे जैसे मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इस दुनिया में एक्सेस ही नहीं करता हो राठौर परिवार वाले शौक में खड़े हुए अपने सामने का नज़ारा देख रहे थे जहां अब तक आही ने आहार्य को और खुद को मिट्टी से पूरा नहला ही दिया था वही अभय के गिरने की आवाज़ से आही और आहार्य अपने पीछे मुड़के देखते हैं तो सबको शौक देख आही तो कन्फ्यूज ही हो जाती है वही आहार्य तो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से उन लोगों को देख रहा था परिवार वाले आहार्य का कोल्ड ओरा देख के अपने होश में वापस आए फिर उन लोगों का ध्यान अभय की तरफ गया जो बेहोश हो गया था और वो सब उसे जगाने लगते हैं लेकिन वो जागता ही नहीं है ये देख आही आहार्य के गोद में से उठ के भागी फिर वो पानी की पाइप अभय की ओर कर देती है जिससे पानी की धारा सीधे अभय के ऊपर जाती है और वो एक झटके में ही उठ जाता है वो बेचारा तो टू मिनट सुन्न होके खड़ा ही रहता है कि अभी हुआ क्या था फिर धीरे धीरे उसे सब याद आया तो वो हैरन नजरों से आहार्य की तरफ देखने लगा ऐसे जैसे मानो उसने कोई असंभव चीज देख ली हो वही आही अभय को होश में आता देख वो पाइप को वही फेंक के आहार्य की तरफ जाती है और उसके बाजुओं को पकड़ के उस पर लटकते हुए खुशी से उछल कर आहार्य से कहती है देखा देखा अपने मिस्टर हैंडसम आपकी लिटिल बन्नी कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है देखा कैसे मैंने बेहोशी भाई को वन मिनट के अंदर अंदर जगा दिया इतना बोल आही अपनी मासूम बननी आंखों में दुनिया जहाँ की चमक को लिए आहार्य को ऐसे देखने लगी जैसे बोल रही हो आप भी कुछ बोलो जैसे कि वो दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की है और बुद्धिमान भी वही आहार्य भी आही के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि वो क्या चाहती है इसलिए वो उसके सर को सहलाते हुए प्यार से अपनी आंखों में नरमी लाते हुए उससे बोलता है हा लिटिल बननी तुम दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की हो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है वैसे भी आहार्य के लिए तो आही ही सब कुछ थी ये आपको आगे के चैप्टर्स में पता लगेगा कि कैसे आही आहार्य की सब कुछ बनी या, या इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है तो उसका ये बोलना उसके लिए कोई झूठी बात नहीं थी वही आहार्य की बात सुनते ही आही के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान आ जाती है जिससे उसके गालों पे डिंपल आ जाते हैं और उसका चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा था वही दूसरी तरफ आहार्य का आही की ऐसी तारीफ करता देख उसका परिवार तो जैसे सदमे में ही चले गया हो क्योंकि वो सब जानते थे कि आहार्य कितना ज्यादा खतरनाक एरोगेंट रूड और हार्टलेस था सिर्फ शंभव सिंह राठौर जी को छोड़कर उन्होंने तो पहले ही कहा था कि आही के आने के बाद आहार्य में बदलाव हो जाएगा आप लोग चाह वन पढ़ सकते हैं अगर याद न हो तो लेकिन शंभव जी को ये नहीं पता था कि आहार्य मैं सिर्फ़ आही के लिए ही ऐसा बदलाव हो रहा है बाकी तो वो सबके लिए पहले जैसा ही शैतानों का भी राजा है कुछ देर बाद सब विला के डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए बैठे थे और आही अपने मिस्टर हैंडसम और अपने बड़ी के बीच में बैठी हुई थी और वो दोनों ही आही को अपने हाथों से खिला रहे थे आहार्य और आही ने अपने कपड़े बदल लिया था तब तक आही का कमरा शंभव जी ने पहले ही तैयार करवा दिया था क्योंकि वो जानते थे कि आही आएंगी तो उसे जरूरत पड़ सकती है तभी अभय अपनी जिज्ञासा और उत्साह भरी आवाज़ में दादाजी से पूछता है दादाजी आप और क्यूट कैट एक दूसरे को कैसे जानते हो मेरा मतलब है आप लोग कब मिले वही उसका प्रश्न सुन के सभी लोग भी जिज्ञासा से दादाजी और आही की तरफ देखने लगे सिर्फ आहार्य को छोड़ के वो तो अभय को ही अपनी जानलेवा नजरों से उसे ही देखने लगा क्योंकि अभय ने उसकी लिटिल बन्नी को निकने से बुलाया कैसे बाकी ऐसा लग रहा था कि उसे बाकी कुछ जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है हाँ या फिर उसे पहले से ही पता हो ये सब वो तो हमें आगे ही पता चलेगा क्या सच है और क्या नहीं वही दादाजी अभय का प्रश्न सुन के सबकी तरफ देखते हैं तो सब उनको ही अपनी आंखों में चमक लिए देख रहे थे तब दादाजी शांत भाव से बोलते हैं आप सबको तो याद ही होगा मुझे कुछ महीने पहले ही गोली लगी थी और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था दादाजी ने इतना ही बोला था कि सभी घर वालों की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वीरेंद्र जी अपनी खतरनाक आवाज में बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलते हैं हा डैड हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं अगर वो कमीने आज जिंदा होते तो हम उनको जिंदा रहने पर भी अफसोस कराते इतना कहते ही उनके अंदर से खतरनाक आभा निकलने लगा वही उनकी बात सुन के बाकी घर वालों के चेहरे पर डर के भाव आ गए थे उनके चेहरे पर डर के भाव वीरेंद्र जी की आवाज़ सुन के नहीं आए थे बल्कि उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं वीरेंद्र जी की आवाज़ से आही डर ना जाए और वो अगर आना बंद कर देगी तो यही सोच के सबके चेहरे पर घबराहट आ जाती है सिर्फ आहार्य और शंभव जी को छोड़कर वही वीरेंद्र जी को भी एहसास हुआ कि उसकी वजह से आही डर ना जाए और सभी डर से आही की तरफ देखते हैं जो आराम और सुकून से आहार्य के हाथों से खा रही थी और अपनी मासूम बनी आंखों से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी वही उसका ऐसा रिएक्शन देख सब राहत की सांस लेते हैं फिर लक्ष्मी जी दादी जी बोलती हैं आप रुक क्यों गए बताइए ना आगे क्या हुआ तो संभव जी भी खुशी से आगे की बात कहने लगते हैं हाँ तो उसी दिन मुझे मेरा ये दिल का टुकड़ा मिला था और इसी से मिलने में शाम को हर रोज गार्डन जाता था फ्लैशबैक राठौर विला लक्ष्मी जी हॉल में इधर से उधर टहल रही थी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी तभी उन्हें शंभव जी नीचे आते हुए दिखे तो वो उनकी तरफ बढ़ गई और उन्हें देखते हुए परेशानी भरे भाव से बोलती हैं आपका जाना जरूरी है क्या मत जाओ मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वही शंभव जी अपनी प्यारी पत्नी के चेहरे पर टेंशन देख के अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं आप इतना टेंशन क्यों ले रही है श्रीमती जी हम कोई पहली बार थोड़ी ना बाहर जा रहे हैं इतना कह के वो विला से बाहर चले गए और अपनी कार में बैठके निकल गए उनकी कार के आगे थ्री कारें थीं और उनकी कार के पीछे थ्री कारें थीं जो कि बॉडी से भरे हुए थे अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी वहां अचानक गोलीबारी चालू हो जाती है शंभव जी के बॉडी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो इस हमले को रोक सके और इसे अपने कंट्रोल में कर सके पर शायद आज उनका दिन ही खराब था क्योंकि उनके दुश्मन ज्यादा थे हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला था लेकिन एक गोली आके शंभव जी के पेट पर लग गई जिससे सब घबरा गए वहीं उनको गोली लगता देख सब घबराहट में उन्हें ही देखने लगे इस बात का फायदा उठा के उनके दुश्मनों ने शंभव जी की गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दिया जिससे उनके सर पे भी गहरी चोट आई थी लेकिन तभी अचानक वह बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और पूरे क्षेत्र को घेर लेते हैं और वो बॉडीगार्ड बाकी सब बचे लोगों को जगह पे ही अपनी गोलियों से भून देते हैं उनके मरने के बाद एक बॉडीगार्ड एक कार के पास जाके उसका दरवाजा खोलता है उसमें से छोटी सी मासूम सी प्यारी सी आही निकलती है उसने जब देखा बहुत सारे लोग एक कार पे ही गोली चला रहे हैं तो वो अपने आजू बाजू बैठे अपने दोनों दादाजी से बोलती हैं दादाजी चलो हम लोग जल्दी उन्हें बचाते हैं नहीं तो वो लोग उन्हें मार डालेंगे इतना कह के वो अपनी मासूम बनवी आंखों से अपने दोनों दादा बडीज़ को देखती है वही उसकी बात सुन के उसके दोनों दादा एक दूसरे को देखते हैं फिर इशारे से उनके बॉडी को शंभव जी को बचाने के लिए बोलते हैं वही शंभव जी अभी तक होश में ही थे जब उन्होंने देखा एएम बैच के गार्ड्स उन्हें बचा रहे हैं तब वो हल्की स्माइल करते हुए शौक हो गए तभी एक प्यारी सी और सुंदर सी लड़की उनके सामने आके अपनी मीठी आवाज़ में उनके लिए फिक्र से पूछती है दादाजी क्या आप ठीक हैं वही आही को देख दादाजी उसकी तरफ देखने लगते हैं जो अपनी मासूम नम आंखों से उन्हें ही देख रही थी वही उसे अपने लिए रोता देख दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं नहीं गुड़िया मैं ठीक हूँ पर आही उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में लेके जाती है उसके साथ उसके दोनों दादा भी थे हर्षवर्धन मल्होत्रा और आरव मल्होत्रा क्योंकि वो आही को अकेला नहीं छोड़ सकते थे वही शंभव जी का ऑपरेशन हो गया था इन सब में दोपहर हो गया था डॉक्टर शंभव जी के वार्ड से बाहर निकल के बोलते हैं अब मरीज खतरे से बाहर हैं आप उनसे मिल सकते हैं अब वही डॉक्टर की बात सुन के आही हर्षवर्धन जी और आरव जी वीवीआईपी वीवीआईपी वार्ड में जाते हैं जहां शंभव जी को शिफ्ट किया गया था आही के मैसी हो चुके बालों की लट्टे उसके नाज़ुक गर्दन और गालों को छूते हुए उसकी क्यूटनेस को बहुत ज्यादा बड़ा रहे थे जिसमें अभी आही बहुत क्यूट लग रही थी और मासूमियत से अपनी बनमी आंखों की बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए बड़ी ही मासूमियत से अपने सामने अस्पताल के बेड पर लेते शव सिंह राठौड़ को ही देखे जा रही थी जो उसे ही अपनी आंखों में प्यार लिए कन्फ्यूजन में देख रहे थे फिर शंभव जी आही के आजू बाजू देखते है तो उनके ही उम्र के दो लोग दिखते हैं जो उन्हें ही घुके देख रहे थे वही सम्भव जी जब उन्हें देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वो एकाएक खड़े होने की कोशिश करते हैं जिसके कारण से उनके हाथों में लगी सुई अंदर तक घुस जाती है और वो एक वाह की आवाज से वापस लेट जाते हैं वही उनका ये स्टंट देख उनके बेड के बाजू में खड़े थ्री लोग उन्हें घुर के देखने लगते हैं शंभव जी को तो टू लोगों से ही डर लग रहा था तीसरी मतलब आही पे तो उनको प्यार आ रहा था क्योंकि आही इस समय बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी उसके फुले हुए गाल लाल नाक सब उसकी क्यूटनेस को बढ़ा रहे थे तभी वो नाराजगी के साथ कहती है ये क्या दादाजी आप तो इतने बड़े होके भी बिल्कुल बच्चों जैसे उछल कूद कर रहे हैं चुपचाप लेते रहिए यहाँ पे वही शंभव जी का तो आही की बात सुन के मुँह ही लटक जाता है तो वही दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी और आरव जी के चेहरे पर चमक आ जाती है तब भी हर्षवर्धन जी अपनी ठंडी आवाज में कहते हैं तो कैसा लग रहा है आपको स्टंट करके श्री मैन ये बात हर्षवर्धन जी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से कही थी जिसे सुनके शंभव जी का मुंह ही बन गया वही आरव जी तो अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगे हुए थे तभी आही ने मासूमियत से अपने दादाजी की तरफ टुकुर टुकुर देखते हुए पूछा बडी क्या इनका नाम स्टंटमैन है आही का सवाल सुन के आरव जी अपनी हासी कंट्रोल नहीं कर पाए और जोर जोर से हंसने लगे तो वही हर्षवर्धन जी अपनी प्यारी राजकुमारी का सवाल सुनकर अपना सरहा में हिला देते हैं शंभव जी जब ये देखते हैं तो वो हड़बराहट में आते हुए बोलते हैं नहीं बेटे हमारा नाम स्टंटमैन नहीं है हमारा नाम शंभव सिंह राठौर है इतना बोल के वो अपनी ठंडी नजरों से हर्षवर्धन जी और आरव जी को घूरने लगते हैं फिर वापस शंभव जी कहते हैं क्या यार यहाँ तेरा सबसे प्यारा यार अस्पताल के बिस्तर पर है और तू मुझे ताने दे रहा है और ये बता तू इंडिया कब आया और आया तो आया मुझे बताया क्यों नहीं तूने और आरफ तूने भी नहीं बताया कुछ तू तो मेरा छोटा भाई है फिर भी इतना कहकर वो अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देखते हैं वही उनकी बात सुनते ही हर्षवर्धन जी भी अपनी सामान्य आवाज में कहते हैं हम कल ही इंडिया शिफ्ट हुए है क्योंकि हमारी प्रिंसेस को इंडिया में रहना था और हम उनका मन नहीं दुखा सकते हैं रही बात तुझे ना बताने की तो तुझे भी बताने वाले थे पर देख उसके पहले ही हम यहाँ मिल गए हर्षवर्धन जी की बात सुन के शंभव जी उनकी तरफ देखते हुए पूछते हैं ये राजकुमारी है कहा जब वो पैदा हुई थी उसी दिन देखा था उसके बाद तो तू यहाँ से फ़्रांस चला गया था कितना मिस किया मैंने अपनी लाडो को वही उनकी बात सुन के आही गुस्से में अपना मुंह फुलाकर हर्षवर्धन जी से कहती है आपकी कोई और भी राजकुमारी है मुझे छोड़ के दादू और आपने मुझे बताया भी नहीं और मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी सिर्फ मैं ही आपकी राजकुमारी हूँ इतना कहकर वो पजेसिवली हर्षवर्धन जी और आरव जी का हाथ पकड़ लेती है वही उसकी बात सुन के तीनों उसकी और देखते हैं तो आही का पूरा चेहरा रेड हो गया था जैसे वो अभी किसी भी वक्त रो देगी तो आरव जी परेशान होते हुए आही के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलते हैं नहीं प्रिंसेस तुम ही हमारी एकलौती प्रिंसेस हो वो तो ये आपको पहचानते नहीं है ना इसलिए ऐसे बोले वो हर्षवर्धन जी भी जल्दी जल्दी में बोलते हैं हा बच्चा आप ही हमारी प्रिंसेस हो और ये तुम्हारी ही बात कर रहे है अब जाकर कहीं आही को संतुष्टि हुई क्योंकि वो अपने परिवार दोस्तों और अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पर पजेसिफ थी वो उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी और मल्होत्रा परिवार की इकलौती लड़की होने के कारण उसके अंदर जिद्दीपन भी बहुत था वही शंभव जी भी समझ जाते हैं कि यही वो लड़की है जो उनकी भी जान है तो वो प्यार से आही का हाथ धीरे से पकड़ते हुए बोलते हैं लाडो आपको पता है आपने सबसे पहले मुझे ही देखा था जब आपने अपनी ये खूबसूरत आंखें खोली थी और मेरी ही बाहों में आप सबसे पहले मुस्कुरा रही थी आही शंभव जी की बात सुन के कन्फ्यूजन हो जाती है और कन्फ्यूजन में उनसे पूछती है पर दादाजी मैं तो आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ और तो और मैंने आपको आज पहली बार देखा है आही की बात सुन के शंभव जी घुके हर्षवर्धन जी और आरव जी को देखते हैं जैसे वो उन्हें घुर के ही मार डालेंगे वही उनकी नज़रों की तपीस को महसूस करके हर्षवर्धन जी हड़ब्राहट हर में ही बोलते हैं राजकुमारी ये आपके दादू के सबसे अच्छे दोस्त हैं और तुमसे भी ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इन्होंने ही सबसे पहले आपको अपनी गोद में उठाया था आरव जी भी अपने भाई की बातों पर सहमत होते हुए बोलते हैं हा बच्चा बिग ब्रदर आपको बहुत मानते हैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं वो तो हम इंडिया से शिफ्ट हो गए थे इसलिए आपको नहीं बताया सोचा आपको सरप्राइज देंगे आही अपने दोनों दादू की बात सुन के खुश हो गई थी और उत्साह में शंभव जी को गले लगा लेती है उसने इस बात का ध्यान रखा था कि शंभव जी के घाव पर लगे ना। शंभव जी भी प्यार से आही को गले लगाते हैं उनकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी ये बात सच है कि शंभव जी आही से बहुत प्यार करते थे यहां तक कि उन्होंने तो आही का नाम अपनी प्रॉपर्टी तक के नाम पर भी कर दिया था अपने बच्चों के साथ साथ उनका आही से एक अलग ही लगाव था उसके कुछ दिन बाद में संभव जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया जब वो पूरी तरह से ठीक हो गए लेकिन उन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था और आहार्य देश से बाहर गया हुआ था इसलिए वो और ज्यादा निश्चिंत थे लेकिन ये सेवन एक दिन संभव जी के जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक कह सकते हैं क्यूँकी आही उनके साथ हॉस्पिटल में पूरा समय बिताती थी इस बीच हर्षवर्धन जी का परिवार भी उनसे मिलने आता था सबने उनका आशीर्वाद लिया सिर्फ हर्षवर्धन जी की पत्नी सुमित्रा जी को छोड़कर क्योंकि वो उनकी बहन जैसी थी वैसी बहन जैसी तो आरव जी की पत्नी आस्था जी भी थीं लेकिन आरव जी शंभव जी को अपना बड़ा भाई ही मानते थे तो उस हिसाब से उन दोनों ने ही शंभव जी से आशीर्वाद लिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शंभव जी आही से रोज मिलने जाया करते थे और उन्हें आही की शरारतों के बारे में सब पता रहता है और वो आही का उसमें पूरा साथ भी देते थे फ्लैशबैक एंड दादाजी शंभव सिंह राठौर जी अपने चेहरे पर गंभीर भाव से और आंखों में चमक लेते हैं जी हाँ उस दिन लाडो ने ही मेरी जान बचाई थी और तभी मैं अपनी लाडो से मिला था उनकी बात सुन के सब आही की तरफ देखते हैं जो उनको ही अपने मासूम बन्नी आंखों को टिमटिमाते हुए टुकुर टुकुर बहुत क्यूटली उन्हें ही देख रही थी तभी रौनक जी बहुत प्यार से कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जो आपने डैड की जान बचाई और उनकी देखभाल भी की रौनक जी की बात सुन के सभी घर वालेहा में सर हिलाकर सहमत होते हैं आहार्य और शंभव जी को छोड़कर आही अपना मुंह मुलकर पाउट बनाते हुए क्यूटली बोलती है आप सभी लोग बडी की मदद के लिए मुझे धन्यवाद कैसे दे सकते हैं अब मुझे आप में से किसी से भी बात नहीं करनी है मैं सिर्फ मिस्टर हैंसम और बडी से ही बात करूंगी इतना कहकर आही अपना मुंह फुलाकर उनसे अपनी नजरें फेर लेती है उसका गुस्से में फूला हुआ मुंह बहुत ज्यादा प्यारा और मनमोहक लग रहा था वही आहार्य और शंभव जी आही की बात सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है आहार्य ने तो अपने एक्सप्रेशन वैसे ही रखा था पर दादाजी तो अपने चेहरे पर चिढ़ाने वाले भाव लाते हुए अपने परिवार वालों को देखते हैं वही उनके चिढ़ाने से सब चिढ़ भी गए क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि आही उन सब से बात ना करे इसलिए वो सब एक साथ आही के सामने एक साथ सॉरी बोलते हुए अपने कान पकड़ लेते हैं जिसके कारण आही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है पर वो जल्दी ही उसे छिपा लेती है ताकि वो थोड़ा और उनका उसे मनाने का तरीका देख सके आही को मुंह फेरते देख सबका मुंह लटक जाता है लेकिन फिर सब एक साथ जाके आही को गुदगुदी करने लगते हैं जिससे वो खिलखिलाकर हंसने लगती है और बोलती है बस अब मुझमें और शक्ति नहीं है मैंने माफ कर दिया आप सबको वही आहार्य को उसके पीए का कॉल आता है तो वो बात करने के लिए थोड़ा साइड हो जाता है कुछ देर बाद कॉल पे बात करने के बाद वो सबके पास जाके आही के माथे को चूम कर बोलता है लिटिल बन्नी अभी मुझे जाना पड़ रहा है पर तुम कोई बदमाशी नहीं करोगी ठीक है इतना कहकर वो एक बार सबके सामने उसके होठों पर एक छोटा सा पैक देके निकल जाता है आही का तो मोही खुला का खुला रह जाता है वही सब शौक में अपने मुंह पर हाथ रख उसी दिशा में देखते हैं जहां से अभी आहार्य गया था लेकिन तभी कुछ याद आते ही दादाजी उत्साह से पूछते हैं लाडो आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को निकलवा दिया कॉलेज से दूसरी तरफ एक घना जंगल जिसके अंदर जाने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते जो सोच के चले भी जाते वो आज तक कभी उस जंगल से बाहर नहीं आ पाए उस जंगल के बिचो बिच एक ब्लैक विला था ब्लैक था जितना डरवाना था उतना ही डरवानी आवाज उसके अंदर से आ रही थी विला के आसपास बॉडीगार्ड्स के साथ साथ जंगली जानवर भी वहां पहरा दे रहे थे तभी विला के एंट्रेंस पे कम से कम थर्टी से थर्टी फाइव गड़िया आकर रुकी उन गड़ियों के काफिलों की सारी गाड़िया खोली सिर्फ एक को छोड़ के जो बुगटी थी और बिच में था तभी एक बॉडीगार्ड उसकी कार का दरवाजा खोलता है उसमें से काले जूते पहने एक लंबा पैर बाहर आता है उसके साथ ही एक लंबा चौड़ा आदमी निकला उसके सुंदर चेहरे पर अभी कोई भावनाएं नहीं थी उसकी आंखें भी खाली थी उसे देखते ही सारे बॉडीगार्ड्स अपना सिर झुका लेते हैं यहाँ तक कि वो जानवर भी अपना सिर झुका लेते हैं ये आदमी कोई और नहीं आहार्य ही है और उसने जंगली जानवरों को भी कंट्रोल किया था अब उसने ये कैसे किया था ये आगे की कहानी में ही पता चलेगा आहार्य अंदर जाके हॉल में एक किंग साइज कुर्सी पे अपने एक पैर पे दूसरे पैर को रख के किसी राजा की तरह बैठ जाता है आहार्य का आभा इस समय ऐसा था कि वहाँ मौजूद लोगों को घुटन होने लगी थी जब उसके भावहीन बॉडीगार्ड्स को उसकी आभा से घुटन हो रही थी तो नॉर्मल लोगों का क्या ही हाल होता आहार्य ने अपने बेहद ठंडे और खतरनाक आवाज़ में कहा लाओ उन्हें कहा है वो दोनों तभी दो लोगों को बांध के लाया गया जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा पिटा गया हो उनके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो उन दोनों में से एक लड़का वही होता है जिसे आही ने चिंगम लगा के बाथरूम में बंद कर दिया था और दूसरा उसका प्रिंसिपल था जिसे आहार्य के आदमियों ने सड़क से उठाया था जिसे आही के परिवार वालों ने सड़क पे आने पे मजबूर कर दिया था जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें खोल सामने देखा तो उनकी आंखों में डर का शैलाब आ जाता है उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है उन्हें लग रहा था वो मर जाए सामने देखने से अच्छा है पर शायद अब वो मरेंगे पर इतनी आसानी से नहीं आहार्य ने उनको अपने भावहीन चेहरे के साथ देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा है क्या तुम दोनों जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है उसकी इतनी खतरनाक आवाज़ सुन के वो दोनों ही कांपने लगते हैं और जल्दी जल्दी नामे सर हिलाने लगते हैं तो आहार्य बॉडीगार्ड की तरफ देखता है बॉडीगार्ड आहार्य का इशारा समझ के प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए ही अपनी कड़क आवाज में बोलता है तुमने आज सुबह जिसके बारे में शिकायत करने के लिए मल्होत्रा के घर कॉल किया था पता है वो कौन थी बॉडीगार्ड की बात सुन के वो प्रिंसिपल अब और कांपने लगा क्योंकि मल्होत्रा परिवार ने पहले ही उसकी जिंदगी जहनुम बना दिया था अब खुद शैतानों का राजा उसके सामने बैठा था उसे ही अपनी डरावनी नजरों से देखे जा रहा था ये सोच के वो और भी ज्यादा कांपने लगा तभी बॉडीगार्ड फिर से कहता है जिसके बारे में तुमने वो सब बोला था वो हमारी लेडी बॉस है वो हमारे बॉस की सब कुछ है उनके लिए बॉस कुछ भी कर सकते हैं उसने इतना ही कहा था कि तभी एक रूह को कपा देने वाली आवाज़ वहां गूंज गई जिससे सबके सब, सब काँपने लगे ये आवाज आहार्य की थी जो अपनी खतरनाक आवाज में उस प्रिंसिपल को घूरते हुए कहता है कुछ भी नहीं सब कुछ कर सकता हूँ उसके लिए और तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की उसने इतना कहकर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया वैसे ही एक बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक धारदार चाकू लिए प्रिंसिपल की तरफ बढ़ रहा था उसे देख प्रिंसिपल और वो लड़का दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो बॉडीगार्ड प्रिंसिपल के पास जाके उसके दोनों गालों को जोर से दबाता है जिससे उसका मुंह खुल जाता है बॉडीगार्ड उसके मुंह खुलने के बाद उसके मुंह के अंदर ही उसकी जिब को उस मजबूत चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है जिससे उस प्रिंसिपल की भयानक और दर्दनाक चीख उस पूरे जंगल में फैल जाती है उसकी जिब काटने के बाद उस बॉडीगार्ड ने प्रिंसिपल से अपनी कठोर आवाज़ में बोला ये जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मैम का नाम लिया था इसलिए वही आहार्य ने अपनी ठंडी आवाज में उस प्रिंसिपल को अपनी भयानक आंखों से देखते हुए बोला इन दोनों को ब्लैकी को खिला दो वैसे भी ब्लैकी तुम्हारी मैम को लेके कुछ ज्यादा ही पजेसिव है और उसे इन दोनों के कांड के बारे में पता है वो इन दोनों को बहुत ज्यादा दर्द देगा बुला के लाओ उसे जाओ इतना कहकर वो तिरछा मुस्कुराता हुआ उन दोनों को देखने लगता है और बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है जिसे समझकर अब वो बॉडीगार्ड प्रिंसिपल के सामने से हटकर उस लड़के के पास जाकर वो चाकू उसकी आंखों में बारी बारी डाल देता है जिससे एक बार फिर एक दर्दनक चीख पूरे जंगल में गूंजती है इस समय वो प्रिंसिपल और वो लड़का दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे थे एक के मुंह से खून आ रहा था तो दूसरे के आंखों से सामने का नजारा देख के ही कोई मर जाए पर आहार्य को तो जैसे सुकून मिल रहा था उनकी चीख सुन के सो so, अभी कहानी जारी रहेगी सो डोंट फर्गेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे